कैसे, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज है बकरीद का फर्स्ट डे और हमने आपको बनानी सिखानी है बकरीद स्पेशल रेसिपी। उस रेसिपी का नाम है गाय के कोच से बना सकते हैं चूड़ियाँ। इंडिया के अंदर क्रिस्पी चुनचुनी कहते हैं और हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम इसे कहते हैं क्रिस्पी चूड़ियाँ कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। गाय के गोश्त से आप चिकनाई निकाल के चूड़ियाँ बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं ज़्यादा, सिर्फ एक स्पाइसेस जाता है उसका नाम है नमक, वो तो हर चीज़ में ऐड किया जाता है। इसमें हसबी ज़रूरत 1/4 टीस्पून नमक ऐड करें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे क्योंकि ज़्यादा हेल्दी होती है और ये आपको वेट भी नहीं बढ़ाती। जब आप इसे घी निकालेंगे, तेल निकालेंगे तो आप इसमें कबाब फ्राई कर सकते हैं, बिरयानी में भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी सालन में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर होता है। आप इसमें फ्रेंच फ्राइज भी फ्राई करते हैं और ज़्यादातर ये होता है कि मैं तो भाई इसको फ्रेंच फ्राइज इसके अंदर फ्राई करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार होते हैं। इस घी से कोफ्ते और कबाबों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं हमने 1/2 kg चिकनाई ली है, जो बकराईद का गोश्त होता है। जितनी आपके पास चिकनाई आ रही हो, गोश्त आ रहा हो, उसमें से चिकनाई निकाले, उसके बाद उसको वॉश करें। उसके बाद अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद 2-3 बार इसके इसमें कढ़ाई चिकनाई ऐड करें। उसके बाद हसबी ज़रूरत नमक ऐड करें, उसे लो फ्लेम पे रख दें अच्छी तरीके से मिक्स करके। और ये लो फ्लेम पे रखेंगे तो ये अच्छी तरीके से चिकनाई मेल्ट होती चली जाएगी, घी तैयार होता जाएगा। हमने चिकनाई को लो फ्लेम पे रख दिया है, इसके अंदर से घी निकलेगा, फिर आपको दिखाएंगे और चूड़ियाँ अलग हो जाएंगी, घी अलग हो जाएगा। घी से 2 से 3 मंथ यूज़ कर सकते हैं घी, क्योंकि ये पक चुका है, क्योंकि ये ख़राब तो होगा ही नहीं। आप जब दिल चाहे इसे यूज़ करके इंजॉय कर सकते भी खाने में इसे यूज़ कर सकते हैं। घी को, इस ऑयल को, जो आप उसको नाम देना चाहें उसे दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि हम सुन्नत इब्राहिमी कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा इसके फायदे होते हैं, ये आपको वजन भी बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा आपको चूड़ियों की लो फ्लेम पर रखी थी कुक करने के लिए। उसका हमने कवर हटा के आपको लोग दिखाते हैं। इसका 20 मिनट हो चुके हैं, अभी लो फ्लेम पे कुक होती जा रही है। हल्का हल्का इसका ऑयल निकलता जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं ऑयल इसका निकलता जा रहा है। इसमें टाइम लगेगा काफ़ी, ऑयल इसका निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये देख सकते हैं। ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनके तैयार होती है। ये सुखड़ने जाती है तब तक इसमें से हम घी निकालते रहेंगे आधे घंटे के, इसका फिर आधे घंटे में आपको दिखाते हैं चूड़ियों की कंडीशन। आधे घंटे के ब्रेक का फिर आपको दिखाते हैं। चूड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कुक हो रही हैं, होती जा रही हैं और चूड़ियाँ क्रिस्पी होती जा रही है। जिस तरह की क्रिस्पी होती जाएंगी ये, और इस तरह ये ऑयल आता रहेगा। और हम चूड़ियों को कर लेंगे सेपरेट और ऑयल को भी हम कर लेंगे सेपरेट। दोनों चूड़ियों को निकाल लेंगे और ऑयल को हम स्टेनर की मदद से छानने के बाद सेव करके रख 2 मंथ्स के लिए उसको स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी तरह के खाने बना सकते हैं। काफ़ी ऑयल निकल चुका है इसका, अब दिखाते हैं स्पून की मदद से आपको। ये देख सकते हैं कि ऑयल काफ़ी निकल रहा है। अब इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा और टाइम लगेगा, छोटी छोटी हो जाएंगी तब आपको दिखाएंगे, सुकड़ जाएंगी। जितनी सुकड़ेंगी उतना ज़्यादा आपके पास तेल आएगा, क्योंकि इससे तेल ये देख सकते हैं। बेहतरीन से हमारी चूड़ियाँ रेडी हो चुकी है और ऑयल ने अलग कर दिया है इसको। ऑयल को हम छान के आपको दिखाते हैं, चूड़ियों को अलग कर लेंगे और ऑयल को अलग कर लेंगे, दोनों चीज़ों को दिखाते हैं हम आपको। हमारी चूड़ियों की रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट रेडी, आप देख सकते हैं हमारी चूड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, बेहतरीन से बनके तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। ऑयल भी हमने निकाल लिया, स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। आप इसे तमाम खानों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये। अगर आपको हमारी चूड़ियों की रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।